जाने क्यों रौनक सी लग गई है नफरतों के बाजार में, जाने क्यों रौनक सी लग गई है नफरतों के बाजार में, जिंदा नहीं मुर्दा लोगों से नफा होता उनके व्यापार में, जिंदा नहीं मुर्दा लोगों से नफा होता उनके व्यापार में। जहर सा घुला इन फिजाओं में एक अनचाहा सा तनाव है, क्योंकि जल्द इस मुल्क में आने वाला फिर से कोई चुनाव है, तो इस मुल्क में आने वाला फिर से कोई चुनाव है। अब सब पार्टी वाले विजन की आड़ में कोशिश डिवीजन की करेंगे, अब सब पार्टी वाले विजन की आड़ में कोशिश डिवीजन की करेंगे, फिर वो अपनी तकरीरों में 70 सालों के दंगों का रिवीजन भी करेंगे, फिर वो अपनी तकरीरों में 70 सालों के दंगों का रिवीजन भी करेंगे। प्लान वो फिर कौमों के बीच बिना किसी कारण का कोलिजन भी करेंगे, तब जाकर इंश्योर वो अपने हक में वोटों का डिसीजन भी करेंगे, तब जाकर इंश्योर वो अपने हक में वोटों का डिसीजन भी करेंगे। लगता है जैसे सबका लक्ष्य मिटाना मुल्क से अमन और सद्भाव है, क्योंकि जल्द ही इस मुल्क में आने वाला फिर से कोई चुनाव है, सो अभी हम पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट को कैसे सिलेक्ट करती हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ उसके ऊपर है। किसी विशेष जाति से हो तो टिकट के लिए अपने आप सिलेक्शन हो ही जाएगा, किसी विशेष जाति से हो तो टिकट के लिए अपने आप सिलेक्शन हो ही जाएगा, अगर ना भी हो और जेब गर्म हो तो कोई ना कोई कनेक्शन हो ही जाएगा। ऐसे लोग चुनावी खर्च की चिंता ना करना, जीतने के बाद अपने आप कलेक्शन हो ही जाएगा। बस तुम्हें गड़े मुद्दों को बार बार उछालना है, वरना इलेक्शन में रिजेक्शन हो ही जाएगा। साम दाम दंड भेद कुछ भी करके लाना जनता के मन में अपने लिए झुकाव है, क्योंकि इस मुल्क में आने वाला फिर से कोई चुनाव है, सुना है हमने मीडिया हमारी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, सच से यह दूर जाता वहाँ जहाँ मिलती इसको न्यूज़ थोड़ी थ्रिलर है, सच से दूर जाता वहाँ जहाँ मिलती इसको न्यूज़ थोड़ी सी थ्रिलर है। उनके इशारों पर किसी भी मुद्दे का बनता ये किलर है, क्योंकि सब नहीं लेकिन कुछ ना कुछ मीडिया हाउस किसी ना किसी पार्टी के डीलर हैं, अब सच की डावाडोल कश्ती झूठ और फरेब की तैरती नाव है, क्योंकि इस मुल्क में आने वाला फिर से कोई चुनाव है। शुक्रिया।